आज हम आपको ले चलेंगे हिंदी कविता की दुनिया में, जहां होंगी आपकी जानी पहचानी कविताएं, लेकिन ये होंगी एक ताज़ा सांगीतिक ढांचे में ढली हुई। राज्यसभा टीवी की इस बिल्कुल नवीन और विशेष प्रस्तुति में आपको हिंदी की क्लासिकी परंपरा से लेकर समकालीन धारा की ऐसी कविताएं मिलेंगी जिन्हें आप कभी पढ़कर आनंदित होते हैं तो कभी यदा कदा सस्वर सुनने का भी आपको मौका मिलता है। लेकिन हमारा आज का ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया और दिल में उतर जाने वाला है। ये कोशिश है अपनी काव्य धरोहर के प्रति अपने धुंधले पढ़ते प्रेम को वापस पाने की, अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट में कुछ जोड़ने की जो मन की गहराइयों में उतर जाए। तो चलिए हमारे साथ सुनिए मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिक में कंपोज्ड कुछ चुनिंदा कविताएं और हिंदी कविता के म्यूजिकल मूड्स का लुत्फ उठाइए। आज की ये पेशकश हमारे लिए लेकर आई हैं चिन्मयी त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और कविता के बीच पली बड़ी चिन्मयी यूं तो बिजनेस मैनेजमेंट में प्रशिक्षित हैं, लेकिन साल भर पहले उन्हें हिंदी कविताओं को कंटेम्प्रेरी म्यूजिक से सजाने की जो धुन सवार हुई और फिर वो चैन से न बैठ सकी। चिन्मयी त्रिपाठी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को कड़े अभ्यास और अनुशासन से सीखा और उसमें अपने पाश्चात्य संगीत में भी पारंगत साथियों के साथ शुरू किया। हिंदी के महान कवियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं और इस क्रम के दूसरे कवियों की तुकांत अतुकांत रचनाओं को संगीत में ढालना। पट उस तट पन घट मर घट बानी अटपट ढूंढ माझी, इस तट उस तट पन घट मर घट बानी अटपट ढूंढ माझी, इस तट उस तट पन घट मर घट बानी अटपट ढूंढ माझी। हाय किसी ने कभी ना जानी। कविता की मूल भावना को समझना, भाषिक स्पष्टता, भावों को उभारने के लिए सटीक कंपोजिशन तय करना और अंत में स्वर की साहित्यिक अदायगी, ये सब चिन्मयी ने कड़ी साधना से हासिल किया है। सामान्य साहित्य प्रेमियों के अलावा विशेष रूप से युवाओं में हिंदी कविता के लिए शौक पैदा करने में चिन्मयी ने थोड़े ही समय में जिस अभियान के साथ अपने सपने जोड़े हैं उसका नाम है म्यूजिक एंड पोएट्री प्रोजेक्ट। नमस्ते, हम लोग हैं म्यूज़िक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि ये एक छोटी सी कोशिश है अच्छे साहित्य को, अच्छी कविताओं को गीतों के रूप में और प्रचारित करने की, प्रसारित करने की। तो आज हम लोग आज इस मंच पे हैं और मैं हूँ चिन्मयी त्रिपाठी वोकल्स पे,
और मेरे साथ हैं जोयल मुखर्जी गिटार पे और जो इस म्यूज़िक के प्रोड्यूसर भी हैं, साथ में हैं ओमकार सालुंखे पर्कशंस पे और जर्सन एंथनी जो बेस गिटार पे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ गीतों से जो कविताओं पर आधारित हैं। पहला गीत है महादेवी वर्मा की लिखी हुई कविता जाग तुझको दूर जाना।
नमस्कार, मेरा नाम ओमकार सालुंके है और मैं पर्कशंस बजाता हूँ, आप जैसे देख रहे हैं। तो मैं तौफिक कुरैशी जी से सीख रहा हूँ कुछ 8 सालों से, और बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। एंड ये पर्कशंस बजाते हुए जब मैं म्यूज़िक एंड पोइट्री के साथ बजा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेसिफिकली ये सोचते हुए कि जैसे कविताएं हैं और जैसे उनका भाव और इनके फीलिंग्स हैं उसको रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनको जस्टिफाई कर सकूँ सोनिकली, और कोशिश कर रहा हूँ कि इनको जैसा फील और जैसा भाव चाहिए वो मैं उनको देता रहूँ बराबर से। सभी सॉन्ग्स और सभी कविताएं और सभी कंपोजिशंस बहुत अच्छे से की गई है, और इनमें रिदम और जो अरेंजमेंट है टोटल उनका वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। बट ऑब्वियसली मेरा एक फेवरेट है विच इज़ सखी वसंत, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
ये जो अगला गीत है ये दिनकर की लिखी हुई कविता है, कलम आज उनकी जय बोल, और वीर रस की कविता है। और जो क्रांतिकारी, जो जिन लोगों ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनको याद करते हुए दिनकर की ये रचना है। छिटकाई जन में चिंगारी, जलास्थियां बारी बारी छिटकाई जन में चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मुंह, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगला गीत है इसका शीर्षक है खुश गप्पियाँ, और ये अनामिका जी, जो हमारे समय की विख्यात कवियत्री हैं, लेखिका हैं, उनका लिखा हुआ है। और ये गीत हम सब जो हैं, हम लोग सब कहीं ना कहीं छोटे शहरों से निकले हुए लोग हैं, जो बड़े शहरों में आकर अब रहते हैं या घर बसाए हैं, तो लेकिन घर हमेशा वही होता है जो हमें याद आता है, हमारा जो पिछला छूटा हुआ जो घर है, जो छोटे शहर में या किसी गांव में है या पहाड़ों में है कहीं पे, तो उसको याद करते हुए ये गीत लिखा गया है, खुश गप्पियाँ। ओ संयोग
दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? ना कोई शह ना कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकहीं बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियाँ नाकामियाँ, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियाँ और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है आपको, समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियाँ। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू। ये नाटक की परंपरा महाराष्ट्र में इस तरह से है कि जैसे कथकली की परंपरा केरल में है। सबसे पुराना नाटक मराठी में हमें जो मिलता है वो करीबन 14वीं 15वीं सदी में। बोलते हैं कि विष्णुदास भावे ये हमारे मराठी नाटक के पहले जो नाटककार थे जिनका नाटक हुआ, लेकिन उनके जो समकालीन है वो है महात्मा फुले जी भी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक शहर है सांगली, वहाँ सीता स्वयंवर का खेल पहला खेला गया। डायलॉग के द्वारा जैसे हम नाटक आगे ले जाते हैं वही उसी तरह ये गाने के साथ भी आगे जाता है। संगीत नाटक के जमाने में दौर में गाना आना ये एक आवश्यक गुण माना जाता था। सबसे बढ़िया संगीत नाटक कहलाया जाता है वो है संगीत सौभद्र। हारे बारे ये बंदिशा भी नहीं है लोगों को नाटक की पदे वो गाना है वो मालूम होता है, किंतु जिस बंदिश पर आधारित है लोगों को मालूम नहीं और कोई मालूम नहीं करना चाहता है। अभी टाइम नहीं है ना किसके पास। संगीत नाटक असेल, तमाशा असेल, ऑर्केस्ट्रा असेल, नाटक असेल, पुरुषोत्तम चा काळ असेल, प्रशांत दामले असतील, कुलदीप पवार असतील, लक्ष्मण बेर्डे असतील, स्वरूप कुमार असतील, निळू भाऊ असतील। जो तेंदुलकर साहब ने 1955 में शुरू किया कि संगीत नाटक एक तरह से थोड़ा पीछे हो गया, आम जिंदगी में जिस तरह से बोलचाल होती है उस तरह की भाषा नाटकों में आने लगी, तो उस भाषा को लिखने वाले नाटककार उभरने लगे। माझं नाव लता शिलेदार। मी शुभांगी दामले। नमस्कार, मी विभावरी देशपांडे। राज्यसभा TV मराठी नाटक आणि चित्रपटावर ही जी डॉक्युमेंटरी करतायत त्यासाठी माझ्याकडून त्यांना भरपूर शुभेच्छा। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मराठी थिएटर एक सतत यात्रा। मेरा नाम जोयल मुखर्जी है, मैं मुंबई से हूँ एंड मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। तो ये म्यूज़िक एंड पोएट्री प्रोजेक्ट के साथ मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 2 साल हो गए। तो पहले चिन्मय के साथ जब मैं ये काम करना शुरू किया तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि पुराने कविताएं उनको गाने के हिसाब से तैयार करना काफ़ी एक चैलेंजिंग सा टास्क था मेरे लिए। तो हम लोग ने काफ़ी रिसर्च किया कि ऐसे जो कविताएं हैं इनको कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, क्योंकि द मेन इंटेंशन जो था कि यंगर जनरेशन हिंदी कविताएं सुने और एंजॉय कर सके, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ कविताएं पढ़ी जाए पर गाने के हिसाब से उनको सुना जाए। और कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में एक सुविधा जो है कि सब एज ग्रुप इससे कनेक्ट कर सकती है। तो
हम लोग ने काफ़ी रिसर्च किया इसमें, इसके बारे में कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे कि सबको ये कविताएं अच्छी लगी। तो ये 2 साल का जो एक्सपेरिमेंटेशन, ये काफ़ी इन्जॉयबल रहा मेरे लिए, क्योंकि एज इट इज़ ये जो कविताएं हैं ये लिरिकली बहुत ही रिच हैं, तो उसमें म्यूज़िक डालना और टू मेक इट वेरी जस्टिफाइबल, तो दैट वॉज इट्सेल्फ अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आजकल तमाम रात चांदनी जगाती है, आजकल तमाम रात चांदनी जगाती है। झरोखों से अंदर जब आती है बेबां धोखे से, आजकल तमाम रात चांदनी जगाती है। अगली कविता है ये है शिव मंगल सिंह सुमन की लिखी हुई पतवार, और ये भी वीर रस की एक कविता है।
शुगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज सिंधु ने शुगला है, लहरों का यौवन मचला, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, 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 तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कुछ बोलो इस अंधड़ में साहस घोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधड़ में साहस घोलो, कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मेरा नाम जर्सन है, मैं ये बैंड में बेस गिटार बजाता हूँ। आई थिंक हम काफ़ी चीज़ों पर क्या एक कॉमन ओपिनियन रखते हैं, तो फिलहाल तो या आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस सो फार। वेल फ्रैंकली आपको बताऊँ तो मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो लिरिकली मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मुझे एक्चुअली चन्मय से पूछना पड़ता है कि वॉट ये कविता का मतलब क्या है, वॉट इज़ इट ट्राइंग टू कन्वे, और उस हिसाब से देन आई एम एबल टू बेटर जज कि किस तरह से क्या अप्रोच होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन का और क्या प्ले करना चाहिए और क्या नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक वेस्टर्न बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने ज़्यादा हिंदी म्यूज़िक या क्लासिकल म्यूज़िक बजाया नहीं, तो ज्वेल और मैं हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो जब उसने मुझे इनिशियली अप्रोच किया था तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था टू बी अ पार्ट ऑफ, और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि you know he considered me worthy enough to be a part of this setup, and yeah I think it's been a great experience to be a part of something so different and so rich and cultural. Agli kavita hai, ye ek nayi kavita hai Vinod Kumar Shukla ji ki likhi hui, jo mere ghar kabhi nahi aayenge. Thank you.
जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक फलती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी के जैसे लोगों से मिलने न जाऊंगा। कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा। जब शुरू किया और हम लोगों ने इसको परफॉर्म करना शुरू किया तो हम लोगों ने कॉलेज में भी किया, स्कूल में भी किया और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस में या फेस्टिवल्स वगैरह में हम इसको लेके गए। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा कि चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, वो इसको अप्रिशिएट तो कर ही रहे हैं और साथ में वो बहुत खुश भी होते हैं कि इन कविताओं को हम दोबारा अपने जीवन में ला पा रहे हैं गीतों के माध्यम से। और ना केवल सुनकर अच्छा लग रहा है लेकिन हम याद भी रख पा रहे हैं। और इस बहाने से ही सही छोटे बच्चों को भी कविताएं याद हो जाती हैं। मुझे याद है कि हम लोगों ने जब स्कूल में एक दो जगह परफॉर्म किया था तो बच्चे साथ में गाने लगे थे और उनको धीरे धीरे कविता याद हो गई थी, जाग तुझको दूर जाना है याद हो गई थी। तो इस बहाने अगर कविताएं लोगों को याद हो जाती हैं और उनके बोलचाल की उनकी ज़िंदगी में दोबारा उतर के आती है कोई कविता पुरानी, तो ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। डोंगा डोले नित गंग जमुन के तीर डोंगा डोले, डोंगा छोटी सी नाव को कहा गया है और एक मल्लाह है जो नाव लेकर नदी पार कर रहा है। ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा हुआ गीत है जो एक लोक कथा पे आधारित है। एक नाविक की कथा है, कहानी है छोटी सी कि वो नाव से नदी पार कर रहा है। डोंगा डोले
डोले नित गंग जमुन के तीर डोंगा डोले डोंगा डोले आया डोला उड़न खटोला आया डोला उड़न खटोला एक परी परदे से निकली पहने पचरंग चीर आया डोला उड़न खटोला एक परी परदे से निकली पहने पचरंग चीर आंखें टक टक छाती धक धक आंखें टक टक छाती धक धक आंखें टक टक अरे कभी अचानक ही मिल जाता मन का दामन गीर डोंगा डोले डोंगा डोले हो डोंगा डोले नित गंग जमुन के तीर डोंगा डोले जमुन के तीर डोंगा डोले वटराजी डांड छुई भर बस आ पहुंची संगम पर की भीड़ मन मुस्काई उतर नहाई मन मुस्काई उतर नहाई आगे पाओ न देना रानी पानी अगम गंभीर डोंगा डोले डोंगा डोले हो डोंगा डोले गंग जमुन के तीर डोंगा डोले डोंगा डोले गंग जमुन के तीर डोंगा डोले हमारा खास प्रोग्राम कविता तुम्हारी सुर हमारे जिसमें हमने हिंदी की क्लासिकल और कॉन्टेम्प्रेरी पोएम्स को कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक के साथ कंपोज करके आपके सामने पेश किया और ये पेशकश थी म्यूज़िक और पोएट्री प्रोजेक्ट की जो चिन्मयी त्रिपाठी और उनके साथी हमारे लिए पेश कर रहे थे। प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।